गाइस, तो ये उमैद स्कूल से आ गए हैं और आज हम लोग प्लानिंग किए हैं लस्सी बनाने की और कस्टर्ड। और ये देखिए उमैद ड्रेस कितना गंदा किए हैं और इनका फिर से न्यू बैग आया है। हर दम इनका बैग ही चेंज होता रहता है, तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इनके पास कितने बैग हैं इस वक्त करंटली। और ये देखिए दानियाल एक नैप लेके उठ चुके हैं और उमैद पीछे नाइसिल से शरारत कर रहा है और ये निकाल के फिर ये अपने भाई को लगाने की प्लानिंग में है। और ये देखिए ये दानियाल भाग रहे हैं, ये कोशिश में लगे हुए हैं लगाने के लिए। सो गाइस, यहाँ पे कस्टर्ड की तैयारी हो रही है। ये एप्पल कट हो गया है, बनाना कट हो गया है और दानियाल को मौका मिला तो चाकू लेके निकल लिए हैं। सो गाइस, ये देखिए फ्रूट्स कट गए हैं और बीच बीच में दानियाल कभी एप्पल खा रहे हैं तो कभी बनाना खा रहे हैं। और उमैद ट्यूशन पढ़ने गए हैं, उनका ट्यूशन का टाइम ख़त्म हो गया है। दानियाल पीछे से उसका बैग गिरा के बहुत खुश है। सो ये कस्टर्ड पाउडर पानी में घोल के मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए फ्रूट्स रेडी है और ये दूध बॉयल हो चुका है और उसमें मैं कस्टर्ड पाउडर मिक्स की हूँ। और कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको कंटिन्यू चलाना है जब तक नहीं ये गाढ़ा हो जाए। उसके बाद देखिए ये लस्सी की तैयारी है, जिसको मैं ग्राइंडर में एक बार दही मिक्स कर ली थी शुगर के साथ और फिर ऊपर से थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाले हूँ। गैस अगर आप इसमें चाहें तो इसमें थोड़ा सा रबड़ी भी डाल सकते हैं, मगर मैं रबड़ी नहीं डाल रही हूँ। इसमें रूह अफ़ज़ा और ऊपर से फिर गार्निश करने के लिए थोड़ा सा गरी का बुरादा डालूँगी। सो फ्रेंड्स, आज का तो ये रेसिपी था, लस्सी था और कस्टर्ड न्यू था। बाकी तो नॉर्मल रेसिपीज़ है। अगर आपको पसंद आया वो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।